स्ट्राइक लेने की तैयारी में। परिणाम तो मुकाबले में बड़ा पर्दा अच्छा प्रदर्शन वसीम कर रहा है, बल्लेबाजी करने के लिए तैयार होंगे, सामने होंगे गेंदबाज, गेंदबाजी करने के लिए केना। पिछला दो तीन मैच को देखा जाए तो आखिरी गेंद पे ही
शेयर करते रहिए आप सभी कहीं के गेंदबाज रुस्तम सामने है वसीम
और इस बार दिशा दिया पांडे के क्षेत्र में एक रन आसानी के साथ लेने का मौका और इसी क्रम के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 19 रन स्कोर बोर्ड पे 52 रनों का लक्ष्य है 12 ओवर के खेल में जिसमें 19 रन बनाए जा चुके हैं और ये 19 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के साथ आए हैं। थ्रो काफी शानदार था लेकिन स्टंप से टकराई नहीं ऊपर से होती हुई निकल गई सिंगल के बदले 20 रन स्कोर बोर्ड पे गोल्डन संख्या बगैर किसी विकेट के नुकसान के साथ। क्या शानदार बल्लेबाजी की है दोनों बल्लेबाजों ने विकेट गंवाया नहीं है। ये तो मौका था कहां तक गए विचार रन चौके के लिए गेंदबाज ड्राइव चला है और शानदार चौके के साथ मशीन के बल्ले से निकलने वाला दूसरा चौका तीसरा चौका और टीम का कुल रन संख्या जा पहुंचा है 23 रन स्कोर 24 रन स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या 24 रन स्कोर बोर्ड पर बनाए जा चुके हैं। गेंदबाजी की अगर बात की जाए चौथी ओवर की गेंदबाजी ये दिशा की आशंका है हल्का सा गेप देखा और खेल दिया उस गेप में गेंद निकल गई बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए नसीम के बल्ले से निकलने वाला ये चौथा चौका है और इस चौके के साथ आशाएं भी थोड़ी सी थमी होती हुई रिजवान 11 बढ़िया की तरफ से वसीम ने बल्लेबाजी की है सबका 28 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या और इस सिंगल के बदले 29 रन पहुंचता हुआ आधा से ज्यादा सफर पूरा किया जा चुका है और गेंदबाजी संपन्न हुई 4 ओवर की गेंदबाजी संपन्न हो चली है 4 ओवर के समाप्ति के पश्चात 29 रन स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या इस ओवर में कितने रन आए हैं मैं ये जानना चाहता हूं। इस ओवर में 17 रन आ गए सिर्फ इस ओवर की वजह से बहरिया की टीम लगभग 20% मुकाबले से दूर जाती दिखाई दे रही है। जहां पे 3-3 रन अहम है वहां पर आपके गेंदबाज अगर 17 रन देकर चले गए तो लगभग 3-4 ओवर का काम आपने कर दिया। जितने भी इस लाइव के द्वारा देख रहे हैं सभी को अपनी तरफ आकर्षित किया है वसीम ने अपना जो हाई रैंकिंग रैंक बनता है क्रिकेट जगत में। शॉर्ट बाउंड्री 4 ओवर के समाप्ति के पश्चात 29 रन स्कोर बोर्ड से कुल रन संख्या जबरदस्त ऑलराउंडर प्रदर्शन किया है वसीम गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार तरस गए हैं रिजवान 11 बहरिया के गेंदबाज एक विकेट के लिए। हालांकि चांस से ऐसा तो कोई भी चांस निकल कर नहीं आया दो चांस मसीद ने दिया है लेकिन उसको आपने 100% कन्वर्ट कर नहीं पाया है जिसकी वजह से बिना किसी विकेट के नुकसान के पश्चात 29 रन है स्कोर बोर्ड पे। वसीम 4 चौके लगाकर खेल रहे हैं ये क्या शानदार दिशा दिया रनर का खतरा दूसरे खेल पे थ्रो करना चाहते हैं और एक रन के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा है रिजवान 11 बहरिया के दृष्टिकोण से न थ्रो सटीक बैठा है ओवर थ्रो में लगातार मिसफील्ड किया गया है। अगली गेंद को हल्के हाथों से खेला सिंगल के लिए जा रहे हैं एक रन आसानी के साथ पूरा कर लिया जाएगा और इस सिंगल के बदौलत स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 31 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 31। तो हसन 11 पूरे टूर्नामेंट में एक तरफा ही जीते हैं मैच को। ये क्या शानदार चौका है एक बार जोरदार ताली बजेगा इस बल्लेबाज के लिए बहुत शानदार बल्लेबाज 5वां चौका निकला है जिस मुकाबले में एक चौका लगाने के लिए बल्लेबाज तरस रहे थे उसी मुकाबले में 5वां चौका लगाया है वसीम अकरम ने। हल्के हाथों से खेला एक रन के लिए जा रहे हैं और रन पूरा भी कर लिया जाएगा और इस एक रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 36 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या मात्र 16 रन की और जरूरत एक तरफा कर दिया है मुकाबले को सैफ और वसीम की जोड़ी ने। हल्के हाथों से दिशा दिया सिंगल के लिए जा रहे हैं सिंगल पूरा किया जाएगा 37 रन पहुंचता हुआ स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या लगातार स्वर्गीय महाकुसिंगापुर में नायक क्रिकेट टूर्नामेंट का सभी मुकाबला रोमांच से भरपूर हुआ है लेकिन यही एक टीम है हसन 11 मुशहरी की टीम जिसने दो मुकाबले आसान तरीके से जीते हैं और आज फाइनल मुकाबला भी उसी अंदाज में जीतने जा रही है लेकिन अभी मुकाबले में जब तक आखिरी गेंद ना डाल दी जाए क्रिकेट एक महान अनिश्चितता का खेल जिसकी प्रत्येक गेंद एक बदलती घटना
कौन अंदाजा लगा सकता है, लेकिन अनुमानों के आईने में लगभग दूर निकल गई है हसन अलीगंज मुसहरी की टीम। 37 रन स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या। विकेट की अगर बात की जाए, मैं कहूं दोनों सलामी बल्लेबाज सैफ और वसीम अकरम। सैफ कितने रन बनाकर खेल रहे हैं, वसीम का व्यक्तिगत रन संख्या क्या है? उसको ज्यादा आदमी वैल्यू होता है। रवि सिंह आए गेंदबाजी करने, इशारे का इंतजार, चेतावनी मिलेगी रवि सिंह को। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे, इस बार गेंद विकेट के पीछे पहला झटका लगता हुआ। इसी तरह की वापसी कराई थी अपने मैच अपने हसन अलीगंज मुसहरी की तरफ से गिरने वाला पहला विकेट। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे मात्र 15 रन की दरकार है। 37 रन एक विकेट के नुकसान के पश्चात पहले विकेट का ब्रेक थ्रू दिलाया है रवि सिंह ने। नए बल्लेबाज आ रहे हैं सुग्रीव, शॉर्ट बाउंड्री के अच्छे बल्लेबाज है सुग्रीव। अगली गेंद को हल्के हाथों से दिशा दिया, दो दो खिलाड़ी भाग रहे हैं, एक रन लेने का मौका। नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, सुग्रीव भी अच्छे बल्लेबाज है। सुग्रीव यादव नए बल्लेबाज, इस बार आगे बढ़ के तेज तरीके से खेलना चाहते थे वसीम, सफल हुए नहीं। जैसे देखा रवि सिंह ने कि आगे बढ़ रहे हैं, गेंद की दूरी को कम किया, इस बार बढ़िया बचाव, बहुत शानदार बचाव मेहराब के द्वारा। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में इस बार को आपने दावत दे दिया, रवि सिंह ने दावत दे दिया, आप भाई मुझे मार, और इसको कबूल किया रवि सिंह। यहां पर वसीम अकरम ने और अपने बल्ले से खेला छक्का चौका और कुल रन संख्या जा पहुंचा है स्कोर बोर्ड पे। हसन अलीगंज मुसहरी जीत के बिल्कुल दहली, 42 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। छठे ओवर की समाप्ति हो चली है, 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 42 रन स्कोर बोर्ड पे, 10 रन और चाहिए जीत के लिए। टाइम आउट का संकेत मिलता है, माइक ऑफ कर दिया जाएगा, गाना बजने के चांस बनते हैं। जैसे ही आपने देखा विजयी हुई उत्कर्ष 11 से, तो आपने दो से तीन मिनट के ब्रेक के पश्चात खेल शुरू होगा। 42 रन स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या। पूरे टूर्नामेंट में बल्लेबाजी है टॉप क्लास की, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की।
भीड़ देख सकते हैं, जबरदस्त की भीड़ है। जी बिल्कुल, जावेद भाई कहाँ से बिलोंग करते हैं? से ही समय तो निश्चित तौर पर आपकी टीम लगभग मुकाबले में बुलंद फैसले के साथ वापस है। औपचारिकताएं शेष बची है, अपने खिलाड़ियों को बताने में क्या संदेश देंगे? जिले से आता है, सीवान जिले में गांव है, लेकिन गोपालगंज की धरती पे और शंतनु सिंह प्रिंस बाबू ने कैसा नाइट टूर्नामेंट का आयोजन किया है। बहुत बढ़िया टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है, जितना तारीफ की जाए उतना ही कम। बहुत बहुत शुक्रिया बेस्ट ऑफ लक आपकी टीम के लिए। इधर एक और दर्शक हमसे जुड़ना चाहते हैं, मैं नाम जानना चाहता हूँ। विशाल कुमार बैठा, कहाँ से बिलोंग करते हैं? बकरी पंचायत से। किस टीम का सपोर्ट कर रहे हैं? बॉलिंग कर रहे थे, पिछले मैच में जो पंकज पटेल जी है जो कीपर मैन है अभी, उनका खेल काफी अच्छा लगा था, लेकिन आज कुछ अच्छा नहीं कर पाया। पंकज जी को ध्यान देना चाहूंगा, क्योंकि पिछले मैच में आपके बहुत बड़े पॉइंट फॉर थे और आप ही की वजह से मैच लग गया, लेकिन आज आप बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाए हैं। पंकज पटेल जी जो कि अभी बॉलिंग टीम में कीपर है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। विकेट कीपर के लिए संदेश आया है, आपकी वजह से मैच देखने के लिए आए हैं, लेकिन आज आपने निराश किया है अपने चाहने वालों में। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर से और कोई दर्शक, कैसा आयोजन रहा है ये मैं जानना चाहता हूँ। सर के दिल बहादुर सिंह के बोल के क्रिकेट टूर्नामेंट का सासा मसा की धरती को याद हो सकता है, लेकिन शंतनु सिंह प्रिंस बाबू ने कैसा आयोजन किया है? प्रिंस बाबू आए सीजन 8 है, जो स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह मेमोरियल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन है सासामसा की तरफ से। सासामसा पंजाब वासियों के लिए एक बहुत बड़ा सौगात है जो कि प्रिंस बाबू के द्वारा आयोजन हर साल किया जा रहा है, और इसके वजह से तमाम जो लोकल टीम है इसे देखकर उत्साह है। बहुत बहुत शुक्रिया। मौके दिए थे हसन अलवन के प्लेयरों ने, मगर उस मौके को भुना नहीं पाया और इस वजह से आज बैकफुट पर खड़ी है। इस बार ये रन आउट एक और बनता है और ये भी गया, इतना तेज थ्रो लगा रहा है उसको भी नहीं लगा पाए, तो यहाँ भी विकेट बन रहा था, ये भी गंवाया, तो 4 विकेट गंवा दिए है रन आउट और आउट की रूप में। और इसी क्रम के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 44 रन स्कोर बोर्ड पर दो रन संख्या और मात्र 8 रन की जरूरत। गेंदबाज तैयार, वसीम अकरम है स्ट्राइक पर, हल्के हाथों से दिशा दिया लेकिन सही से खेल नहीं पाए, कोई रन बनाने का मौका नहीं, अभी भी 8 रन की जरूरत है। 7वीं ओवर की गेंदबाजी चल रही है, तो बहुत शानदार
ये पश्चिम और पूरब के खेल पे जो लाइट वाला स्टैंड लगा है, कौन हिला रहे हैं भाई? मुसहरी के खेमे से, मुसहरी के जो खिलाड़ी और दर्शक वहां पर मौजूद है, आपसे आग्रह है कि खंभे के साथ छेड़खानी न करें। सात ओवर की समाप्ति हो चली है, सात ओवर की समाप्ति के पश्चात 45 रन स्कोर बोर्ड पे रन संख्या, एक विकेट के नुकसान के पश्चात आरिफ गेंदबाजी करने के लिए तैयार, वसीम अकरम है स्ट्राइक पे। इस बार शॉट पिच के करीब गई, पीछा किया नजरों के साथ, जाने भर दिया विकेट कीपर की दिशा में, रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 45 रन। इशारे का इंतजार होगा, सही गेंद करार दी है वहां पर शाहिद जमाल ने, जो मुख्य अंपायर के तौर पर खड़े हैं, इस बार एक अंपायर का कमान संभाल रहे हैं पुनीत कुमार। वाइड का इशारा, वही सहयोगी इस टूर्नामेंट के नौशाद अली, सुजीत कुमार राय, राकेश कुमार, राजगुरु द्विवेदी, सन्नी सोनी के साथ तमाम आयोजक मंडली सिंगल के लिए जा रहे हैं। एक रन आसानी के साथ मिल जाएगा और इसी एक रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 47 रन स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या। स्कोरिंग की जिम्मेदारी संदीप कुमार और अनुप सोनी के पास, हल्के हाथों से खेला, सिंगल के लिए जा रहे हैं, एक रन आसानी के साथ पूरा कर लिया जाएगा और इसी एक रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 48 रन स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या। मात्र 4 रन की और जरूरत मुकाबला जीतने के लिए, पर्याप्त ओवर बचा हुआ है, बहुत शानदार खेला है, लेकिन बीच में खिलाड़ी खड़ा है, पूरे बनाने का मौका नहीं। इकलौता बल्लेबाज वसीम अकरम ने मुकाबले में रिजवान इलेवन की जो आशाएं थी उसको खुबी कर दिया है। मैं बल्लेबाज इस बार गेंद को खेला लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास, रन संख्या 48 की बॉल का इशारा, एक्स्ट्रा के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होगा 49 रन स्कोर बोर्ड पे। अगली गेंद को खेला जरूर लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास, कोई रन बनाने का मौका नहीं। ओवर की समाप्ति का संकेत मिलता हुआ, 9वें ओवर की समाप्ति हो चली है, 8वें ओवर की समाप्ति हो चली है, 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे 49 रन, 48 गेंदों पे 49 रन बना लिए गए हैं, मात्र 3 रन चाहिए, 24 गेंदों में 3 रन की जरूरत। कमेटी के तमाम सदस्य हैं, मंच के सामने चले आइए, दर्शकों से आग्रह रहेगी कि आप ग्राउंड में प्रवेश नहीं करके मुकाबला समाप्ति के पश्चात। इस मैच को जीतने के लिए स्टार्टअप तैयार है, इस मैच को जीतने के लिए 50 रन पूरे हो चले हैं और इसके साथ ये विजय का मंगल है। मुसहरी की टीम दर्शकों से आग्रह है कि ग्राउंड में वहां जाकर खेमा रखिए, वहां पे ये अपन समिति के सदस्य वहां देखिए रखिए वहां पे। स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह ने मार्ग